मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे? लेट्स बिगिन बेटा। जो आ गए हैं उनके लिए आरंभ करते हैं, है ना? और भाई जो लेट है वो आते रहेंगे बच्चे। ओके, नगाड़े के साथ हैं। चलिए तो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं बेटा ना। देखिए, पहले तो ये देखिए बेटे, साफ दिखाई सुनाई दोनों चीजें दे रही हैं। हिमांशी हो गए, एक बार में पता चल गया बेटा। हाँ जी, 10th B बस जी। और बीच में बेटा गायब नहीं होना है, लास्ट तक लास्ट में अटेंडेंस देनी है जाने से पहले, ठीक है ना? बिफोर लीव द स्ट्रीम। देखो बेटा, हम कर रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। ठीक है, और इसमें देखिए हमारा आज लास्ट टॉपिक जो है वो भी हम कर लेते हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट होना है। फिर मैंने आपको बेटा सोइल के लिए भेजा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल, ठीक है ना? भारत में विभिन्न प्रकार के जो मृदाएं हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, ठीक है ना? जिसे आपने मैप में भी साथ किया है कि आपको पता होना चाहिए कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, वो कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार की फसलों के लिए है वो आपकी फेवरेबल, या फिर आप ये कहते हो कि कौन सी फसलों में कंट्रीब्यूट करती है फर्टिलिटी है, जिसे जिनकी फर्टिलिटी से हम फूड ग्रेन्स या आपकी फसलें या कोई भी हो, ठीक है ना, वो ऑब्टेन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो आपका फिर से सोइल से ही रिलेटेड है, और ये आपका है सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पर बहुत ही आसान है, बहुत आसान, ठीक है ना? आप सब बहुत बार पढ़ चुके हो, आप सब जानते भी हो, कुछ हमने चैप्टर्स के अभी जो किया है फर्स्ट चैप्टर उसके बीच में भी किया था, तो सब कुछ वही आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको तो आता ही है, ठीक है ना? मुझे तो सिर्फ फिनिशिंग देनी है, बस आप ये समझिए। देखो, ये हो गया बेटा मृदा अपर वन, ठीक है, और ये हो जाएगा मृदा संरक्षण। सोइल इरोजन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोइल, ठीक है ना? मृदा है उसकी ऊपरी परत का वहां से हटना, अनावृत होना, और किसके वो विंड भी हो सकती है, वोटर, मतलब बेटे आपके नेचुरल फैक्टर भी काम करते हैं और ह्यूमन फैक्टर भी। तो नेचुरल में आपका फॉरेस्ट फायर है वो भी हो सकता है उसकी वजह से, या फिर और भी ले तो विंड वोटर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना? पवन और आपका जल जो है, या फिर ग्लेशियर, ये तीन जो है ये आपके फोर्सफुल फैक्टर हैं, ठीक है ना, जो आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोइल इरोजन, मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम सोइल कंजर्वेशन की, विंड वॉटर एंड ग्लेशियर, हिम नदी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना? ये नेचुरल हो गए, और ह्यूमन तो बहुत सारे हैं, ठीक है? आपका ओवर ग्रेजिंग ये मत समझना हम करते हैं, मतलब चाहे पशु हमारे ही हो कैसे भी हो, ठीक है ना, वो हो सकते हैं, या आपका ओवर इरिगेशन हो सकता है बेटा, या आपका डिफोरेस्टेशन हो सकता है, या सेटलमेंट्स के लिए भी हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है ना? माइनिंग या ओवर माइनिंग या माइनिंग एक्टिविटीज कह लो, या ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं जो भी हैं, ठीक है ना, वो भी आपकी क्या करती है, सोइल को इरोड या इरोजन में रोल प्ले करती हैं, भूमिका निभाती हैं। तो ये आपके नेचुरल हो जाएंगे, और वो आपके ह्यूमन, हम दोनों डाल सकते हैं, ये नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन फैक्टर, ठीक है? कंजर्वेशन जो होता है मृदा संरक्षण, ये क्या करना है, हमें ऐसी प्रोसेस अडॉप्ट करनी है कि वी कैन कंजर्व सोइल या सेव द सोइल, या उसके टॉप मोस्ट लेयर को हम कंजर्व या सुरक्षित रख ले, ठीक है ना, ताकि वो बह कर या उड़कर ना जाए, ठीक है ना, मतलब ग्लो ना करे या फ्लो ना करे, हवा के साथ उड़ना या फिर पानी के साथ बहकर है वो ना जा पाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, सोइल कंजर्वेशन हो गया, मतलब उसे प्रिवेंट करना, ठीक है ना, उस प्रिवेंट या उसके उस बचाने को सोइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण कहा जाता है। अब पहले ये करते हैं,
करते क्या हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, देखिए फर्स्ट सोइल इरोजन जो है बेटा, विंड वाटर या ग्लेशियर, फिर मैंने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज। अब हमें ये सब हमने पहले कर लिया था जब लैंड डिग्रेडेशन भी किया था। अब हमें यहाँ टू टाइप्स लेने हैं, किसके, सोइल इरोजन के, ठीक है ना। हम सिर्फ ये इसी की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो होता है बेटा गुलेज इरोजन, एंड द सेकेंड वन जो है आपका शीट इरोजन, ठीक है। गुलेज इरोजन है बेटे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। आवाज मतलब मैं तेज बोलूं बच्चा, अब दहाड़ना शुरू कर देती हूँ, नहीं बेटा जी, नेट प्रॉब्लम की तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, ना कुछ कर सकते हैं। हाँ जी चलिए कोशिश करते हैं। गुलेज इरोजन बेटा हो जाएगा अगर नाली का अपरदन, ठीक, शीट इरोजन हो जाता है परत या चादर अपरदन, क्या होते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम जो ले रहे हैं बेटा आपका गुलेज इरोजन है वो कब होता है, आपके जो फ्लोइंग वाटर मतलब आपका बहता हुआ जो जल है, फ्लोइंग वाटर, जब बेटा वो क्या करता है, क्रिएट डीप चैनल्स, चैनल्स होती वाहिकाएं, जब वो गहरी वाहिकाएं बना देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं आपका गुलेज इरोजन कहते हैं, जिसे हिंदी में अब नाली का डीप चैनल्स का मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढे से बना देना, लंबे नहीं पतले पतले नहीं, आपका रूम है इससे भी ऊंची मतलब इससे भी गहरी और लार्ज बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है, गुलेज इरोजन होता है बेटे, बहुत गहरी और बहुत दूर तक होती हैं और इससे आपकी भूमि जो है वो बेकार हो जाती है, ठीक है। तो आपका बहता जल जो है, फ्लोइंग वाटर क्रिएट्स डीप चैनल्स, ठीक है ना, धरातल थ्रू द सरफेस, धरातल के ऊपर वो गहरी वाहिकाएं बना देता है जिन्हें गुलेज कहा जाता है, जिन्हें अब नालिकाएं कहा जाता है, और इससे बेटा वो आपका कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स द लैंड इनटू बैड लैंड, वो इसे बेकार या फिर हिंदी में हम कहते हैं उत्खात भूमि में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें रेविंस कहा जाता है, बीहर किसी काम के नहीं, ठीक है ना, बीहड़ मतलब ऐसे क्षेत्र, ठीक है ना, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ वो आपके बहुत ऊंचे टीले, फिर आपका नीचे, फिर बहुत गहरा आपका गड्ढा होता है, फिर बहुत ऊंचा, ठीक है ना, और रास्ते में कई बार निकलने की जगह भी नहीं होती, तो ऐसे ऊंचे नीचे भाग जो है वो आपके बना देता है वो जल, इसलिए इसे बैड लैंड कहा जाता है। एंड दिस लैंड इज नॉट यूजफुल कह सकते हो, या फिर नॉट फिट, लिखिए ये ज्यादा अच्छा, Not fit for cultivation. Sorry बच्चे, इसे हम खेती के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और बेटा यू कैन टेक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुलेज इरोजन, आप इसका बहुत बड़ा उदाहरण ले सकते हो भारत में ही, चंबल, चंबल नदी पता है ना, हाँ, चंबल बेसिन इज नोन फॉर इट्स रेविंस, चंबल नदी अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, लोग छोड़ छोड़ कर वो जगह जाने लगे हैं क्योंकि ना उसको कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना रहने के लिए, नदी ने पूरा जो एरिया उस एरिया को रेविंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ऐसी अवनालिकाएं गुलेज बना दी है, ठीक है ना, जिससे हम भूमि को प्रयोग में नहीं ला सकते, ना रह सकते, ना तो सेटलमेंट के लिए ना कल्टीवेशन के लिए। तो ये आपका हो जाएगा गुलेज इरोजन। फोर्सफुल फैक्टर इसके अंदर एक हो गया वाटर, ठीक है ना, फोर्सफुल फैक्टर हो गया बेटा वाटर, पानी करता है, जल करता है ये कार्य, बहता हुआ जल, नदी, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, और आपका नेक्स्ट, हाँ जी सही कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, गुलेज इरोजन रिपीट कर दे बेटा। गुलेज में देखो आपका जल जो है वो क्या करता है, क्रिएट्स डीप चैनल्स, गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसमें से पानी जा रहा है, धाराएं जो आप कहते हो, पर धारा छोटी नहीं बहुत बड़ी, और आपके बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देता है, टीले रह जाते हैं, जहां से उसे रास्ता मिला वहां से वो निकलता रहता है पानी, तो आसपास का जितना भी एरिया है उस लैंड को वो बेकार भूमि बना देता है, बैड लैंड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो समतल नहीं रहती, प्लेन नहीं रहती कि आप उसे यूज कर सके, छोटे भी नहीं होते पर बेटा बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसमें आप उसे ना तो कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हो, ना सेटलमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर चंबल के बीहड़,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए शीट इरोजन, नाम से ही पता चल रहा परत या चादर, इसका मतलब टॉप मोस्ट लेयर, आप लिख सकते हो अपर लेयर ऑफ द सोइल, रिमूवल डाली सॉरी बेटा, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सोइल, ठीक है ना। आपकी जो मृदा है उसकी ऊपरी ऊपरी परत जो है वो आपकी बह जाती है या फिर उड़ जाती है, ब्लो एंड फ्लो, ठीक है ना, किसके साथ, या तो बेटे विद विंड एंड वॉटर, पवन के साथ में या फिर आपके जल के साथ में, नदी जिसे हम कहते हैं, जल के साथ या फिर पवन के साथ वो बहना या बहना या उड़ना, बह जाती है या उड़ जाती है, अपर लेयर, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ साथ सबसे ऊपरी परत है वो उसी को अपने साथ फ्लो करके ले जाता है। जैसे ही जब विंड अफेक्ट करती है या विंड फोर्सफुल फैक्टर वहां पर होती है तो हवा जब चलती है मतलब बहती है, ठीक है ना, तो हवा के चलने के साथ साथ वो क्या करती है, ऊपर ऊपर की जो लेयर है उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, ठीक है, इसकी तरह बैड लैंड में कन्वर्ट नहीं करती है, तो ऊपर ऊपर का पार्ट ले जाती है, इसीलिए हम इसे शीट या इसे लेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना, परत या चादर अपरदन कहते हैं। इरोजनल वर्क तो हो रहा है लेकिन अपर लेयर का इसकी तरह बैड लैंड के अंदर कन्वर्ट नहीं किया कि ऊंचे नीचे गहरे बीहड़ बना दिए हो, ऐसा नहीं है, इसीलिए बेटा इसमें अपर लेयर चली गई तो सोइल की फर्टिलिटी कुछ तो डिक्रीज होगी ना, कम होगी, पर हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस लैंड विद टेकिंग या फिर आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, कर सकते हैं कि नहीं, यूज फॉर कल्टिवेशन कैन यूज, कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर दिस लैंड फॉर कल्टिवेशन आफ्टर एडिक्वेट मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर्स, खाद का प्रयोग करके सही तरीके अडॉप्ट करके हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो बेटा आप सेटलमेंट्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज कर सकते हो ना, अगर उपजाऊ नहीं है तो आप रोड निकाल सकते हो, आप बस्तियां बसा सकते हो, ठीक है ना, और भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्री लोकेट कर सकते हो, पर बेटा यहाँ तो बीहड़ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, इस पर नहीं बनाया जा सकता, मतलब बहुत ही बेकार भूमि होती है ऊंची नीची इस प्रकार की कि पैरेलल या समतल बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, उसको प्लेन करना मतलब समतल बनाना, ठीक। अब देखिए इसमें बेटा एक फैक्टर था वॉटर, इसमें हम दो ले रहे हैं विंड एंड वॉटर, कि आपकी पवन भी है और आपका जल भी है, दोनों ही कार्य करते हैं, तो आप इसके अंदर कौन सा ले सकते हो, आपका गंगा इन नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, आपकी जो गंगा है वो भी ऐसे क्या करती है, अपर पार्ट जो है उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन जहां ले जाकर डिपॉजिट करती है वहां फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही आप डाल सकते हो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, आप कहोगे पानी तो है नहीं मैडम, तो क्या है वहां पर, पवन विंड, हवा तो है ना, हवा मतलब पवन, क्योंकि मूवमेंट नहीं होती तब तक तो एयर जो हर जगह है, पर जब उसमें गति होती है मूवमेंट होता है तो वो विंड होती है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां जल नहीं है, तो वहां पर ये काम कौन कर रहा है, विंड कर रही है, विंड फोर्सफुल फैक्टर है, तो लेस वेजिटेशन वाले एरिया के अंदर विंड है, और जहां पर पानी है बेटे वहां पर आपका पानी कर रहा है, इस भूमि को आप यूज भी कर सकते हो, तो ये आपकी ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो बेटे ये आपके हो गए दोनों, ठीक है, गुल्ली इरोजन के पॉइंट्स हो गए बेटा और आपके शीट इरोजन के पॉइंट्स हो गए। अब मुझे यहां तक बताइए, किसी को कोई परेशानी, जी बेटा जी, यहां तक आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हमारा एक टॉपिक और है, हम उसे पूरा करके समापन करते हैं, बेटे देख तो रहे हैं ना, जी चल रहा है, हाँ जी, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है बेटा, उस दिन मैं लगती रही और ना स्टीम ऑफ हो गई, मैम शीट इरोजन रिपीट कर दे, बिल्कुल करते हैं बच्चे, और नो डाउट नो प्रॉब्लम, देखो दोनों देखिए जल्दी से, 5 मिनट में बताती हूँ, गुलीज इरोजन शीट इरोजन दो टाइप्स हो गए बेटा, किसके, सोई इरोजन के, मृदा अपरदन के दो प्रकार रहेंगे, किस किस तरह से करती है, ठीक है ना, गुलीज इरोजन के अंदर आपका जल जो है फ्लोइंग वाटर क्रिएट्स डीप चैनल्स, गहरी वाहिकाएं बनाता है, ठीक है ना, दैट आर नोन एज गुल्ली, जिन्हें हम आपके अवनालिकाएं कहते हैं,
और ये अमनालिकाएं बहुत डीप बहुत गहरी होती हैं, ये भूमि को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू बैड लैंड उत्खात भूमि में, एंड द लैंड इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन एंड द अदर पर्पजेस, उसे सिर्फ खेती के लिए नहीं बाकी कार्यों के लिए भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ये लोगों को मजबूर करती है उस स्थान से जाने के लिए, छोड़ देने के लिए, है ना, ऐसा कन्वर्ट कर देती है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया चंबल बेसिन जो है वो अच्छी तरह जानी जाती है इन रेविंस के लिए, जो हमने कहा ना बैड लैंड, ये रेविंस ठीक है जहाँ अमनालिका बनाती है, तो उसे बीहड़ कहा जाता है, चंबल के बीहड़, आप सर्च भी करोगे तो आप देख सकते हो, आप चंबल रेविंस बोलोगे ना तो नेट पर आपको दिखाया जाएगा कि चंबल रेविंस कैसे है। शीट इरोजन में शीट का मतलब अपर पार्ट, अपर लेयर जो शीट चादर की तरह जो होती है, तो आप लेयर इरोजन या शीट इरोजन दोनों ही बोल सकते हो। तो इसमें क्या रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सोइल, ठीक है ना, वो किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ विंड और द वाटर, पवन के साथ में या जल के साथ में सबसे ऊपरी परत है वो उसके साथ बहकर या उड़कर चली जाती है, पवन के साथ या फिर जल के साथ वो उड़कर चली गई, अपर और वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन कल्टीवेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है अगर हम उसे फर्टिलाइजर से यूज करते हैं, तो कम से कम वो ऊंची नीची जिगजैग या ऐसी इसकी तरह तो नहीं है डिसेक्टेड हो या बेकार हो, ठीक है, हम उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं अच्छे तरीके अडॉप्ट कर, तो इसका मतलब उसकी लेयर गई है, प्लेन तो है या समतल है वो अभी भी, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल हो गया जहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है, ज़्यादा पानी आता है या जहाँ ज़्यादा नदियाँ हैं उन क्षेत्रों के अंदर अपर लेयर जाएगी, और जहाँ ज़्यादा आंधियाँ तूफान आते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ आपकी विंड होगी। तो राजस्थान वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट एरिया, एरिड सोइल किया था ना हमने, शुष्क मृदा, तो उन एरियाज के अंदर आपकी विंड होगी बेटा, ठीक है। और आपका गंगा वाला है यूपी के अंदर जो पार्ट है, उनके अंदर आपकी क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ये हो गया आपका शीट इरोजन, ठीक है। अब भी कोई परेशानी, मॉडरेट बना दे बेटा, ये तो मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, मॉडरेट किसको बना दे, मॉडरेट देखिए। अब बेटा हमें इन्हें रोकना है, सोइल इरोजन को मैंने आपको क्या कहा था, प्रिवेंटिंग ऑफ सोइल, ठीक है ना, मृदा को रोकना किस चीज के लिए, किस चीज के लिए रोकेंगे बेटा हम, ठीक है ना, प्रिवेंटिंग ऑफ सोइल फ्रॉम इरोजन, उसके टॉप मोस्ट लेयर जो है, अपर जो लेयर है, ऊपरी परत है, उसको हमें अपरदित होने से बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, वही आपका हो जाएगा बेटा सोइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब सोइल कंजर्वेशन के तरीके आपके इसमें रखा हिल पर या स्लोप्स पर। एक चीज और बेटा, जिन क्षेत्रों में स्लोपी जो एरियाज होते हैं ना, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं या जेंटल स्लोप जहां पर होता है, वहां अगर हम स्लोप के अकॉर्डिंग ही कल्टीवेशन का काम करते हैं तो इरोजन ज्यादा होता है। स्लोप के अकॉर्डिंग जैसे ये आपका स्लोप है, स्टीप स्लोप मैंने आपको बताया था कैसे होगा, ये होता है खड़ा, इसको यूज में नहीं लिया जा सकता और इसको हम यूज में ले सकते हैं। स्टीप स्लोप जो है इनको अगर ऐसे है ना, स्लोप स्लोप की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप इसको प्लफिंग के लिए यूज करते हो, हल निकालते हो, जोतते हो, तो बेटा ये नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपने ये लाइन बना दी है, इसमें से प्लफिंग का काम कर रहे हो, तो जैसे ही बारिश होगी हवा चलेगी तो इसके साथ साथ आपका जो सोइल है वो आपके नीचे आती जाएगी, यहाँ पर जमा हो जाएगी, है ना। और हमें क्या करना है, कटने नहीं देना है, उसको इरोड होने नहीं देना। तो डेनुडेशन जो है आपका, डेनुडेशन का मतलब रिमूव करना, उसको हटाना वहां से, उसी ही डेनुडेशन या इरोजन को ही डेनुडेशन कहा जाता है, आप ये मानिए ऐसी प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, इसे प्रिवेंट करना है, बचाना है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में करते हैं, ठीक है, अपोजिट टू स्लोप। जैसे ये स्लोप है तो इसके अपोजिट क्या होगा, ऐसे ऐसे लेने की बजाय बेटा हम ऐसे लेंगे। अब इससे आपका सोइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि आपकी ऐसे बनी है ना, आपकी लेयर्स ऐसे बन जाती हैं और इनके अंदर आपके प्लांट्स लगा दिए, चाय कॉफी और तो गन्ना तो लग नहीं सकता बच्चे, ढलानी क्षेत्र पे तो चाय कॉफी ही लगाते हैं ना मोस्टली। देखिए अब देखिए बेटा, फर्स्ट लेते हैं हम, सबसे पहला यही लेंगे हम, कंटूर प्लफी, बहुत बार सुना है, ठीक है। कंटूर प्लफिंग हिंदी में आपका समोच्च जुताई बेटा जिसे कहा जाता है, समोच्च जुताई। कंटूर लाइंस जो है वो यही है,
अपोजिट टू स्लोप हम कंटूर प्लफिंग का काम करते हैं, ढाल के विपरीत, ये ढाल है तो ढाल के उल्टे ऐसे, और ढाल के साथ साथ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्लोप, तो उसमें आपका सोइल इरोजन है वो बढ़ जाता है, तो उसे हमें बचाना है तो हम ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कंटूर्स बनाते हैं, समुच्चय जुताई करते हैं उसके विपरीत, और उसको हम चाय या कॉफी इनके लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे आसम में इन सब के अंदर हिली जो स्लोप्स या हिल स्लोप्स जो है बेटा, आपके ढलानी जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन ढालों को या उन क्षेत्रों के अंदर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंटूर प्लफिंग के थ्रू हम चाय की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी कंटूर प्लफिंग। एक चीज और, कंटूर वर्ड जो है बेटा ये किसके लिए, पहाड़ी क्षेत्र को मैप में दिखाने के लिए यूज किया जाता था। जैसे आप मैप में कोई भी जगह दिखाते हो कुछ भी चीज, तो आप उसके लिए सिंबल्स लेते हो ना, इंडिकेट करने के लिए कि आप ऐसे दिखा रहे हो तो ये रिवर है। कॉग्निशन साइंस लेते हो, रूट चिन्ह, तो आप ऐसे दिखा रहे हो तो आपका रिवर है, ठीक है ना। आपकी ऐसे सीधी पड़ती है तो रोड हो सकता है, ऐसे कर दिया है तो आपका रेलवे है, होता है कि नहीं होता, ऐसे होता है ना। ब्लू कलर से है तो वाटर बॉडीज है, सेटलमेंट्स है तो वो डार्क कलर हो गया, तो ये क्या है, आपके कॉग्निशन साइन है। तो ऐसे ही मैप के अंदर अगर आप हिली एरिया को कैसे दिखाओगे, ऐसे पहाड़ तो बनाएंगे नहीं, उसमें इसे कंटूर लाइन से दिखाया जाता है कि इसी हिल को जब हम यहाँ दिखाएंगे तो वो आपकी ऐसे बनेगी, इस तरह से यहां तक फैलेगी, इतनी दूर तक ऐसे आएगी, मतलब आप ये ऐसे प्रोजेक्शन लाइन में गिराओगे ऐसे, तो ये ऐसे मैप में ऐसे लिखी होती, इन्हें इन लाइनों को कंटूर लाइन कहा जाता है। तो जब हम आपके कल्टीवेशन में यूज करते हैं ना, तो हम ऐसे लाइनें लगाते हैं, आपके ऐसे प्लफिंग का काम करते हैं, जोतते हैं, तो इसलिए हम इसको भी कंटूर प्लफिंग या समुच्चय जुताई कहते हैं। बाकी आपको इतना ही लर्न करना है इसमें बस, क्या है ये, ठीक, ये हो गया कंटूर प्लफिंग। अब एक होता है स्टेप फार्मिंग या फिर बेटा इसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग है वो कैसे, स्टेप्स बनाई जाती है इन्हीं के ऊपर, टेरेस का मतलब भी वही है। हिंदी में आपकी सोपान या सीढ़ीदार खेती, सोपान बनाए जाते हैं स्टेयर्स, ठीक है ना। स्टेयर्स कैसे बनाए जाएंगे, ऐसे स्लोप है तो आपको अगर ढाल है वो बहुत ही मंद है तब तो दिक्कत नहीं है, पर ऊपर से देखने पर हमें ऐसा लगता है हम लुढ़कते ही आ रहे हैं नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसके लिए हम स्टेप्स बना लेते हैं। जैसे बेटा हमने ये इतना जो है ये एक स्टेप बना लिया, फिर ये नेक्स्ट स्टेप बना लिया, फिर ये नेक्स्ट स्टेप बना लिया, एक मिनट, ऐसे ये गैप जो है वो इतना नहीं होता, वो बहुत कम होता है, इस तरह से ऐसे ही हमने यहां किया, ठीक है ना। ये अब ये क्या बन गया, आपके स्टेप्स बन गए हैं। एक स्टेप बहुत ज्यादा वाइड हो सकता है, सपोज करो कि हमने ऐसे स्लोप लिया तो हमने इतनी काफी दूर तक एक स्टेप बनाया, और उस एक स्टेप के अंदर हमने बहुत सारे कंट्रोल्स, मतलब प्लफिंग कि एक बार आपका ट्रैक्टर इजीली चला जाए, ठीक है ना, या हम मतलब यहाँ ज्यादातर मैनुअल लेबर ही होता है, हाथ से ही काम है वो ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया, वो प्लफिंग का काम किया, उसे पूरे में एक स्टेप बनाई पैरेलल, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर नेक्स्ट स्टेप बनाई, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर नेक्स्ट स्टेप बनाई, तो ऐसे ही हम बहुत वाइड वाइड स्टेप बनाते हैं, और उस स्टेप्स के अंदर हम कंटूर प्लफिंग का काम करते हैं, इसीलिए इसे स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है ना, सोइल इरोजन को रोकने के लिए, और बेटा उस स्लोप एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। पहले स्टेप्स बना दी, सीढ़ी सी बना दी, और वो बहुत चौड़ी, थोड़ा सा गैप, फिर चौड़ी, फिर थोड़ा सा, कुछ लोग सपोर्ट देने के लिए उसके अंदर कुछ और भी लगाते हैं, ठीक है ना, बैरियर्स भी लगाते हैं उसे रोकने के लिए। पहले स्टेप्स बनाए, फिर हमने कंट्रोल प्लफिंग का काम किया, तो इससे हम क्या करते हैं उसे, हाँ, रोक लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए थर्ड कंटूर प्लफिंग स्टेप, एक आपका है बेटा शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, ये हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इन लैंड डिग्रेडेशन के कंजर्वेशन जो मेजर्स थे, भूमि निम्नीकरण को रोकने के जो उपाय थे ना, उसमें हमने किया था शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की रक्षक मेखला,
ठीक है, पेड़ों की रक्षा मेखला बनाना। तो मैंने आपको बताया था कि फील्ड जो है उसके चारों तरफ, ताकि विंड का जो अफेक्ट है, फोर्स है, वो कम काम करे और आपकी जो अपर लेयर है, आसपास की जो मिट्टी है, वो उड़कर ना जाए, हम उसे प्रिवेंट कर ले, बचा ले। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आप खेत के चारों तरफ जो डोलियां हैं उनके ऊपर पेड़ लगा सकते हैं। बता चुकी हूँ बेटा मैं आपको, जहां आपको लगता है हवा जहां से ज्यादा चलती है आप वहां भी लगा सकते हो। तो पेड़ लगा देने से क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्सफुल फैक्टर है वो काम कम करेगा, कम इम्पैक्ट डालेगा, इफेक्टफुल होगा इन एरियाज में, क्योंकि हवा जो वेजिटेशन है वो उसे रोक लेती, कंट्रोल कर लेती, हवा को भी और बेटा पानी को भी। तो आपका एक ये है, और जिन एरियाज के अंदर लार्ज फील्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहां पर बेटा स्ट्रिक्ट क्रॉपिंग भी होता है, इसे पट्टीदार कहा जाता है, पट्टीदार खेती। इसमें क्या होते हैं, बहुत बड़ा खेत है तो उस बड़े खेत में सीधा कल्टीवेशन में यूज करने की बजाय हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके घर में अगर किचन गार्डन है बेटा, तो आप क्या करते हो कि किचन गार्डन में अलग अलग सब्जियां लगा और सीधा नहीं डाल देते हो। ठीक है, उस पूरे को आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो कि एक में आपने स्पिनच लगाई, एक में कोरिएंडर लगाया, एक में ऑनियन लगाई, ठीक है ना, एक में कुछ और लगाया, है ना, आपने क्या किया, यहाँ डोलियां सी बना दी है कि आपको पता चल जाए कि ये अलग अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और आपने लगा दी भी सब्जी। अब आपकी मम्मी का काम तो चल ही जाएगा, कोरोना टाइम में मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सारी बन गई यहीं पर, तो मम्मी पापा से कहना यहीं से ले लेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, डिफरेंट, मतलब आप जो लगा रहे हो तो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जब खेत बहुत बड़ा है तो छोटा है, और जब बेटा बहुत बड़ा होता है तब भी हम ऐसे ही उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हम जो पार्ट्स बना रहे हैं ना, इस पार्ट्स के यहाँ पर हम घास की पट्टियाँ लगाते हैं डिवाइड करने के साथ। हम तो क्या सिर्फ एक बाउंड्री सी बना देते हैं, चाहे वो रेत की ही हो, ऐसा ही करते हैं ना, डिवाइडेशन करने के लिए हमने बाउंड्री बना दिया, पार्टीशन कर दिया उनका। लेकिन बेटा लार्ज एरिया जो होते हैं उसके अंदर वो घास की पट्टियाँ, उसके अंदर अब ये जो डोलियाँ हैं ना, इस पर घास लगी, इस पर हम तो हटा उड़ दें कि खरपतवार है, हटाइए। तो इससे क्या होता है कि आपकी वो आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, पता भी चल गया, और जहाँ हवा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो उन एरियाज के अंदर ये भी आपकी क्या करती है, बाउंड करके रखती है सोइल पार्टिकल्स को, पकड़ के या जकड़ के रखती है, उसे उड़ने या उसे बहने नहीं जाने देती। ये होता है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन सब के साथ में एक रामबाण इलाज कौन सा है, फॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण भी आप ले सकते हो, ये सब में याद है बेटा। पेड़ लगाइए जहां आपको लगता है जहां ज्यादा काम कर रहे हैं, जहां ज्यादा काम मतलब जहां ज्यादा सोइल इरोजन हो रहा है वहां पर पेड़ लगाइए। हाँ जी बेटा जी, अब मुझे ये बताइए आप कि कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? जी मैंने कर दिया, मेरे ख्याल में बेटा कुछ बचता नहीं है इसमें, हाँ ये सब ही दिया हुआ है आपके ना, यही आपका लास्ट टॉपिक था और ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके नीचे देखिए एक्टिविटीज दे रखी, उसमें बता रखा है कि लोगों के जो खुद के एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उन्होंने खुद ही अपने आप पर वो प्रयास किए हैं गांव को हरा भरा बनाने के लिए, ठीक है ना। एफोरेस्टेशन किया ज्यादा से ज्यादा, जब एफोरेस्टेशन होगा तो उसके साथ साथ बारिश भी होगी, और जब बारिश होगी तो हरियाली अपने आप आ जाएगी और आपका सूखा चला जाएगा। तो मतलब पेड़ वर्षा लाने में सहायक भी है, ठीक है ना, और वर्षा होगी वहां पेड़ भी होंगे, भी दोनों ही बातें हैं। तो इसमें जो है दे रखे ना सुखमोजरी विलेज का, देखो नीचे एक्टिविटीज दे रखा बेटा आपके, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट का चैप्टर के बाद में एक सुखमोजरी गांव झबुआ जिले का दे रखा है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को उन्होंने पलटा, और वहां पर 13 ठीक है ना हेक्टेयर था एरिया, और अब उन्होंने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1272 पर हेक्टेयर एरिया बना दिया है। किस चीज के लिए बनाया बेटा ये, आपके ट्री के लिए, मतलब पेड़ों का क्षेत्र है वो इतना बढ़ा दिया लोगों ने ही, प्लांटेशन उखाड़, लोग ज्यादातर उखाड़ते हैं, हम जैसे उखाड़ रहे हैं वो लगा रहे हैं। ऐसे ही आपका दूसरा दे रखा है, नेक्स्ट वाला जो है ये आपका पशुपालन कृषि, इससे रिलेटेड है। देखो पर्यावरण के पुनर्जागरण से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, तो जो आपका सोसाइटी, उस सोसाइटी के जो है उसके अंदर भी आप रिसोर्सेज हैं वो जनरेट करें। ये आपका सेकेंड है, देखो एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखमोजरी रेंज फ्रॉम, वो इतनी बढ़ गई क्योंकि जब वनस्पति आएगी तो काम भी लोगों को मिला ना, एनिमल है उनके ग्रेजिंग के लिए भी हो गया, फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो उनके साथ और भी काम बढ़ गया, एनिमल हस्बेंड्री वाले और ये भी, ठीक है, वो सारा दिया हुआ देखिए, मतलब खुद ही उन्होंने ये सारा कार्य है वो
किया है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया है। तो बेटा ये एग्जांपल्स हैं अच्छे। मैम सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। सेकंड पॉइंट स्ट्रिप क्रॉपिंग बता दे, सारे बता देती हूँ, 5 मिनट हैं, सारे सुनिए आप। देखिए हम बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन की, कि मृदा अपरदन है वो किसे कहते हैं। तो बेटा आपका ये क्या हो गया, कैसे प्रोसेस मान लो कि सोइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंटिंग ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल, ठीक है ना, फ्रॉम इरोजन, और या ये कह सकते हो प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, ठीक है ना, कॉज बाय आपकी जो ओवर यूसेज है, ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण होती है, पवन के द्वारा होती है या वोटर के द्वारा होती है, उसको सेव या कंजर्व करना सोइल कंजर्वेशन, इरोड होने से बचाना। कंटूर ब्लफिंग के अंदर हम कंटूर्स बनाते हैं, पर उससे पहले हम स्टेप्स बनाते हैं। आपका जो स्लोपी एरिया, ढाल वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ही ये दोनों बनेंगे। हमारा तो प्लेन है तो हमें जरूरत ही नहीं है ना स्टेप की, ठीक है ना, और ना कंटूर्स बनाने की। तो आपके जहां पर जेंटल स्लोप्स हैं उन एरियाज के अंदर उस लैंड को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, कल्टिवेशन के लिए, खेती के लिए लोग पहले स्टेप्स बनाते हैं, सीढ़ियां, ठीक है ना, कि उन्होंने पैरेलल बिल्कुल प्लेन की काफी दूर तक, प्लेन मतलब वो ऐसे ढाल है ना, ऐसे उसको कट किया, उसको प्लेन किया, फिर थोड़ा नीचे जाके स्टेप, फिर काफी दूर तक प्लेन किया, ऐसे स्टेप्स बना लेते हैं। और उस स्टेप्स जो हर स्टेप के अंदर वो क्या करते हैं, फिर आपका कंटूर ब्लफिंग का काम करते हैं। कंटूर का मतलब आप ही कह सकते हो कि कंटूर ब्लफिंग इज द अपोजिट ऑफ द स्लोप, ठीक है ना, अपोजिट ऑफ द स्लोप ढाल के विपरीत होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसे कल्टिवेशन के लिए यूज करते हैं, उसको खेती के लिए या जुताई के लिए इस्तेमाल किया, प्रयोग में लाया जाता है, तो वो आपका हो गया कंटूर ब्लफिंग। तो पहले स्टेप बनाई, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी कह रहे हैं, सीढ़ियां बना दी और फिर हमने समुचित जुताई कर दी, ठीक है। अब कहां पर, जहां पर बहुत ज्यादा विंड है वो भी इफेक्टफुल हो, या जहां पर पानी भी ज्यादा हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, जहां ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इनका, वहां हम खेत के चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, क्योंकि वो उस बल को रोकते हैं, विंड जो है उसकी फोर्स को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, कि हवा आएगी और पेड़ है तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालती है, तो आपकी मिट्टी नहीं उड़ेगी ना, ठीक है ना, जो रिमूव हो वहां से रिमूव नहीं होगी विंड के साथ। तो हमने क्या किया बेटा, शेल्टर बेड्स ऑफ ट्रीज, खेत के चारों तरफ डोलियों पर या कहीं पर भी हमने पेड़ लगा दिए, खेत के अंदर नहीं, खेत के अंदर पेड़ वही रखते हैं जिन्हें छाया चाहिए होती, कब, हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर एक आधा, क्योंकि जहां आपका पेड़ होता है, गौर करना, उसके नीचे आपके प्लांटेशन का काम कम होता है, मतलब क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करती है। तो इस ये कहां पर होगी, जहां पर बहुत ज्यादा सोइल इरोजन होता है वहां पर, हम लोग तो पेड़ काट डालते हैं बल्कि खेतों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग का होता है, जब आपको बहुत बड़ा खेत होता है, लार्ज फार्म साइज होता है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए भी या सहूलियत के लिए भी, कि इतना इतना पार्ट हम खेत को डिवाइड, मतलब उसको डिवाइड कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज जो है, उन बाउंड्रीज पर हम कोई भी उस फसल के अलावा जो आपकी क्रॉप है, उस क्रॉप के अतिरिक्त कोई और फसल है वो लगाते हैं, घास लगाते हैं कुछ और, ठीक है ना, जो पहचान के लिए भी होती, तो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती, घास की पट्टियाँ लगाना, तो इसे या फिर पट्टीदार कृषि कहा जाता है। एफोरेस्टेशन आपको पता है, ये कहीं भी कर लो बेटा, कहीं भी, कितने भी पेड़ लगा लो उतने ही कम है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए, लैंड एरिया ही 33% चाहिए, जो हमारा बहुत कम है, तो इसलिए आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो। तो हर मानसून सीजन के अंदर हर बार आप लोग पेड़ लगाइए, और अपने शुभ जन्मदिन पर, क्योंकि बर्थडे तो हमेशा हैप्पी होता है ना, तो अपने शुभ जन्मदिन पर भी बेटा हर बार पेड़ लगाइए, और यही दीजिए, इससे अच्छा उपहार और कुछ नहीं है आज के प्रदूषण के दौर में। चलिए, हाँ जी, और बेटे कोई परेशानी नहीं है तो अपने अटेंडेंस दीजिए। और बेटा ये स्ट्रेंथ तो आपकी बहुत कम रहती है, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतनी कम स्ट्रेंथ से, और अगर ऐसे ही कम ही आते रहे जी बेटे। एक ये मुझे बताइए, ये रुथेनियम जो है ये किसके आइडिया, नाम नहीं लिखते आप बच्चे, मैंने आपका नाम नहीं देखा, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, हु इज रुथेनियम आईडी बच्चा, हाँ जी नाम लिखिए अपना, हाँ फटाफट, अच्छे बच्चे हो ना, नाम बताइए बेटा अपना, लगाते हो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है ना, औरों को भी मोटिवेट करना है, वैसे ही मोटिवेट करना है जैसे ये बाकी जो क्लास नहीं ले रहे हैं ये भी क्लास लेने आए, अदरवाइज फिर मैं आपको वैसे ही भेजूंगी रिवीजन के लिए, मैं भी गूगल पे लेना शुरू कर देती हूँ फिर, है ना, फिर बाद में ये कैसे देखेंगे, जूम पे ले लेती हूँ, बढ़िया है, वहीं देख लो, वहीं खत्म, सारे अटेंड होंगे, आने वाला है, ठीक है, पहले से ही मुबारक
जी बेटा, बेटे मैंने अभी ये आईडी अभी भी नहीं दी गई है। मैंने अभी भी कहा था कि अपने आईडी दी से ये नहीं, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी और मैं पता कर लूंगी कौन है। हाँ जी बिल्कुल, नाम के साथ दीजिए, अच्छे बच्चे हो ना। हाँ बेटा, आपको पता है बच्चा मुझे, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक बार भी अपना नाम नहीं डालते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा बच्चा कि ये कौन है। हाँ जी बाबू जी, ओके नाइस, हैव अ गुड डे बेटा। अब ब्रेकफास्ट करिए, फिर आप तैयार हो जाएंगे फिजिक्स के लिए। थैंक यू। अच्छा है, नाइस तब होता है ना जब आप कोऑपरेट करते हैं, आप समझते हैं बेटा। हाँ आप और हम एक दूसरे के पूरक हैं, ना हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये ध्यान रखिएगा। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तो यहाँ ये ध्यान रखना, आप और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा।